जयपुर ग्रामीण पुलिस की झुंझुनू के महानगर में कार्रवाई, अवैध कब्जा व मारपीट मामले में राज्य मंत्री के यूडीसी को किया गिरफ्तार। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने झुंझुनू के महानगर में आज मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। अवैध कब्जा, मारपीट व धोखाधड़ी के मामले में राज्य मंत्री कार्यालय के यूडीसी दीपेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी दीपेंद्र सिंह वर्तमान में शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान के कार्यालय में यूडीसी के पद पर कार्यरत है। गिरफ्तार यूडीसी सितंबर 2019 से फरवरी 2023 तक सैनिक कल्याण राज्य मंत्री गुडा का निजी सहायक भी रह चुका है। इन पर गोविंदगढ़ में अवैध कब्जा, मारपीट व धोखाधड़ी के आरोप है। मंत्री गुडा के निजी सहायक रहते हुए ये आरोप लगे थे। वर्ष 2022 में गोविंदगढ़ निवासी अमरचंद ने यूडीसी दीपेंद्र सिंह सहित अन्य पर अवैध कब्जा करने व धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज करवाया था। दीपेंद्र सिंह झुंझुनू जिले के जयपहाड़ी के रहने वाले हैं। 2009 से झुंझुनू के माननगर में रह रहे हैं। पुलिस आरोपी को पकड़कर जयपुर ले गई है। वहीं आरोपी से पूछताछ जारी है। दीपेंद्र सिंह 2018 में झुंझुनू के CBO कार्यालय में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्य कर चुके हैं। यहां से जिला कलेक्टर के आदेश के बाद उन्हें उदयपुरवाटी के विधायक राजेंद्र गुडा के निजी सहायक के रूप में लगाया गया था। फिर 13 सितंबर 2019 को मंत्री का निजी सहायक रहते हुए वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति मिली, जिसके बाद 14 फरवरी 2023 को मंत्री राजेंद्र सिंह गुडा के द्वारा CDO कार्यालय में लेटर भेजकर दीपेंद्र सिंह को वहां से हटाकर वापस झुंझुनू में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में लगाने के आदेश दिए गए। लेकिन दीपेंद्र सिंह ने यहां ड्यूटी ज्वाइन नहीं की। कई बार शिक्षा विभाग की ओर से नोटिस भी जारी किए गए। फिर 18 अप्रैल 2023 को विशेषाधिकारी ममता दादीज ने आदेश जारी कर उन्हें राज्य शिक्षा मंत्री जाहिदा खान के कार्यालय में UDC के पद पर लगा दिया। राजू ठेठ हत्याकांड के आरोपियों की हुई पेशी। हत्याकांड में 4 आरोपियों को किया गया न्यायालय में पेश। खेतड़ी न्यायालय बना पुलिस छावनी। सीकर में राजू ठेठ की हत्या के मामले के बाद हरडिया में फायरिंग की वारदात को अंजाम देने में 4 आरोपियों को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में पेश किया है। ASI देवेंद्र सिंह ने बताया कि 3 दिसंबर को सीकर में गैंगस्टर राजू ठेठ की कुछ युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या की वारदात होने के बाद सीकर व झुंझुनू की पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए दोनों जिलों में हथियारबंद जवानों की नाकेबंदी करवाई गई थी। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि वारदात के आरोपी खेतड़ी थाना क्षेत्र आए हुए हैं, जिस पर पुलिस ने सीकर सीमा से सटे खेतड़ी थाना इलाके में ए श्रेणी की नाकाबंदी कर रखी थी। इसी दौरान क्रेटा गाड़ी में सवार होकर आए युवकों ने बबाई चेक पोस्ट के पास नाकाबंदी तोड़कर पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया था। पुलिस ने जब आरोपियों का पीछा किया तो उन्होंने हरडिया में सड़क निर्माण कार्य कर रही लेबर को हटाने के लिए फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी हवाई फायरिंग करने के बाद मौके से फरार हो गए थे, जिसको पुलिस ने दूसरे दिन खनन क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। उन्होंने बताया कि आरोपी जतिन उर्फ जोनी, सतीश उर्फ पहलवान, मनीष उर्फ बचिया, विक्रम बारमड़ा को अजमेर जेल पेशी के लिए खेतड़ी लाया गया था। राजू ठेठ की हत्या में शामिल दोनों आरोपियों को खेतड़ी लाया गया तो पुलिस को थाने को छावनी में तब्दील करना पड़ा। पुलिस की ओर से हथियारबंद जवान थाने की सुरक्षा में लगाए गए। इस दौरान खेतड़ी नगर मिहाड़ा RSE QRT कमांडो हथियारबंद जवानों की तैनाती की गई। कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। खेतड़ी कस्बे में हो रही चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। स्कॉर्पियो गाड़ी हुई जब्त, रेकी कर वारदात को देते थे अंजाम। खेतड़ी कस्बे में 5 दिन में हुई 2 चोरियों के बाद पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदात में काम में ली जाने वाली स्कॉर्पियो गाड़ी को भी जब्त किया है। आरोपी पहले सुने मकान में रेकी करते थे, इसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात सामने आई है। ASI देवेंद्र सिंह ने बताया कि खेतड़ी कस्बे में 2 चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। 7 मई को चांदमारी रोड स्थित जलदाय विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी राधेश्याम के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था, लेकिन पड़ोस में सुंदरकांड का धार्मिक आयोजन होने के कारण आरोपी वारदात करने में सफल नहीं होने पर चोरी की वारदात करने के लिए काम में लिए जाने वाले उपकरण छोड़कर फरार हो गए थे। खेतड़ी में चोरी की वारदात होने के बाद SP मुदुल कछावा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया था। इस दौरान पुलिस ने वारदात स्थल के आसपास के अलावा खेतड़ी कस्बा, निजामपुरा मोड़, बबाई व अन्य स्थानों के करीब 80 CCTV फुटेज खंगाले हैं।
इस दौरान एक स्कॉर्पियो गाड़ी संदिग्ध दिखाई दी, जो वारदात करने के बाद बीलवा से होते हुए निमका थाना पहुंचने की बात सामने आई है। वहीं खेतड़ी कस्बे में 7 मई को हुई चोरी के प्रयास की घटना में 2 युवकों को पहचान की गई और उनकी तलाश शुरू की गई। इस दौरान पुलिस ने दोनों युवकों की पहचान कर संभावित ठिकानों पर दबिश देकर एक आरोपी सद्दाम पुत्र रमजान निवासी छावनी निमका थाना व दूसरे आरोपी सईद अफरीदी पुत्र अब्दुल खलील व्यापारियों का मोहल्ला खेतड़ी के घर पर दबिश देकर दोनों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने आरोपियों से गहनता से पूछताछ की तो उन्होंने खेतड़ी कस्बे में हुई चोरी की वारदात करना कबूल कर लिया है। दिनांक 6/5/2023 की रात्रि को करीब 8:30 बजे राधे श्याम सैनी निवासी बीलवा रोड खेतड़ी के घर में अज्ञात चोरों ने घुस के वारदात की थी। दिनांक 7/5 को राधे श्याम द्वारा प्रकरण दर्ज करवाया गया। थाने की टीम द्वारा CCTV फुटेज खंगाले गए तथा मुखबिर मामूर के मुखबिर व फुटेज के आधार पर हमने दिनांक 8/5/13 को सद्दाम निवासी लिंका थाना व शाहिद अफरीदी निवासी खेतड़ी वार्ड नंबर 7 को गिरफ्तार किया। चोरी का माल व अन्य चोरियों के बारे में पूछताछ जारी है। इस वारदात में 2 शरीक और व्यक्ति हैं, उनकी भी तलाश जारी है। तो गावड़ी के रहने वाले फूड पॉइजन से एक परिवार के 2 बच्चों की मौत, माता पिता की हालत गंभीर, ADM पहुंचे मौके पर। झुंझुनू जिले के शीतल गांव के एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत हो गई। तबीयत खराब होने पर सभी को झुंझुनू के राजकीय BDK अस्पताल लेकर आया गया था, जहां डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया, जबकि 3 अन्य घायलों का इलाज जारी है। इनमें 2 जनों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका ICU में उपचार किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार गुड्डा गोडजी थाना इलाके के शीतल निवासी बूटीराम के रविवार रात को दाल बनी थी, पूरा परिवार दाल खाकर सोया था। सोमवार सुबह पूरे परिवार की तबीयत खराब होना शुरू हो गई, धीरे धीरे तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी। इसके बाद सभी ने गुड्डा गोडजी कस्बे के निजी अस्पताल में दिखाया, दवा लेकर घर चले गए। इसके बाद सोमवार शाम को उल्टी दस्त होना शुरू हो गया, धीरे धीरे तबीयत और ज्यादा बिगड़ती चली गई। हालत ज़्यादा खराब होने पर पड़ोसियों की मदद से आनन फानन में बुट्टीराम 35 साल, पत्नी अनीता 32 साल, बेटी लक्ष्या 8 साल, तनिक्षा 6 साल, तनुजा 11 साल को झुंझुनू के BDK अस्पताल में इमरजेंसी में लाया गया, जहां लक्ष्या और तनिष्का को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इधर सूचना मिलने के बाद ADM JP गोड़, SDM सुप्रिया चौधरी, तहसीलदार महेंद्र मुंड BDK अस्पताल पहुँचे हैं। आज सुबह BDK हॉस्पिटल की इमरजेंसी में अनीता वाइफ और बूटीराम 32 साल, बूटीराम सनोप जुगलाल 38 साल नोजिया वोमिटिंग करके एडमिट हुए थे। उन दोनों को सस्पेक्टेड फूड पॉइजनिंग या सस्पेक्टेड अननोन सब्सटेंस करके ICU में एडमिट किया है, जिनकी हालत अभी स्थिर है। वो दोनों का ट्रीटमेंट चल रहा है। उनके साथ में 2 बच्चियाँ थी, तनुजा 8 साल और लक्ष्या 6 साल, जो कि मतदानी लाई गई थी। उनको BDK हॉस्पिटल की मोर्चोरी में शिफ्ट करवा दिया गया है और बाकी जो दोनों पेशेंट हैं उनकी हालत फिलहाल स्थिर है और उनका डॉक्टर की देख रेख में अभी इलाज चल रहा है। सर कोई फूड पॉइजनिंग है वो अभी सारे इन्वेस्टिगेशन सैंपल ले लिए गए हैं उनकी, उनके आगे जांच के अनुसार पता चल पाएगा। ये है बूटीराम मछिकर, बूटीराम अग्रवाल, इन्होंने परसों अपने घर पर दाल बनाई थी। इसकी 3 बच्चियाँ हैं, तनुजा, लक्ष्या और तनिष्का, और इनकी घरवाली इन्होंने दाल खाई। फिर उन्हें कल दाल खाई, उसी दाल को शाम को खाई, इनकी तबीयत खराब हुई, इन्होंने प्राइवेट ट्रीटमेंट ले लिया। फिर आज सुबह अचानक भी ज़्यादा तबीयत खराब हुई तो इनको उसके पेशेंट या एडमिट करवाया, तो कनिष्ठा और लक्ष्या 2 बच्ची छोटी उनकी मृत्यु हुई, उनका पोस्ट मार्ट हो गया। अभी उसकी नाम और उसकी घर उनका जो अभी मृत्यु है उनका जीवन इलाज चल रहा है। 5वीं बच्ची है, बनवास के कचनिया की ढाणी में अज्ञात जंगली जानवर ने 1 सप्ताह में 1 दर्जन बकरियों को मारा। ढाणी के लोगों में जंगली जानवर से दहशत। बनवास की कचनिया की ढाणी में पिछले 1 सप्ताह से जंगली जानवर का आतंक फैला हुआ है। 1 सप्ताह में ही जंगली जानवर ने बाड़ों में बंदी 1 दर्जन बकरियों को मार डाला है। सोमवार रात को ढाणी के मनीराम सैनी के बाड़े में बंदी 2 बकरियों को मार डाला गया। मनीराम सैनी ने बताया कि
घर के पास ही बाड़ा बनाया हुआ है जिसमें सरलता से कोई जानवर नहीं घुस सकता। वहां पर बकरियों को बांध रखा था, लेकिन जंगली जानवर ने कटीली झाड़ियों को तोड़कर अंदर घुसा और बकरियों को मार डाला। सारा दिन अकेला घर रहता है और तो फिर मैं लोग कर दो कर तक टाइम पास है कि घर घर मैं तेरी आदमी है जैसा पूर्ण चार बजे मतलब पशुआ की चिल्लाने की इनको मोरा की कौआ की आवाज सुनी थी। जब मैं आवाज गया था देखा वो मतलब भीतर हड़बड़ाहट मार जो बकरियां फपेने लग रहे हो और जब हम आवाज दी ना वो भगत नजर आयो सेम टू सेम छोटो तेंदुआ। कई बकरियां नुकसान करती हो? तीन बकरियां नुकसान करती हो। पल्ली भी करीब बताया नुकसान पहला वो इसे मतलब ये सप्ताह माने कम से 15-20 बकरियां नुकसान करो पड़ोस में 7 बकरियां करो। आज कोई वन विभाग कोई कार्रवाई करी? वन के कोई कार्रवाई को ना ने कोई अधिकारी आयो ने कोई गयो और आज जरूर वन विभाग कोई एक गार्ड आए हो वो आके पच्ची ले लाके हेले क्या भाई। अदम्य साहस वीरता राष्ट्र प्रेम के प्रतीक महाराणा प्रताप की जयंती पर पिलानी में सर्व समाज द्वारा बाइक रैली का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में राजपूत समाज के युवाओं के अलावा बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग हुए शामिल। राजपूत छात्रावास में महाराणा प्रताप के आवक्ष चित्र पर पुष्पांजलि कार्यक्रम के बाद प्रारंभ हुई बाइक व वाहन रैली बस स्टैंड तालाब पार्क पंचवटी अम्बेडकर स्मृति स्थल होते हुए CLR चौक पर जाकर संपन्न हुई। इस दौरान युवा पूरे जोश के साथ महाराणा प्रताप अमर रहे के नारे लगा रहे थे। आपको बता दें कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। भारतीय पंचांग के अनुसार उनकी जयंती प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को आती है। इसके अनुसार 22 मई को महाराणा प्रताप जयंती होगी। बड़ी संख्या में युवा व प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। कोलसिया से नेहरो की ढाणी तक सड़क का लोकार्पण कार्यक्रम। सीएम सलाहकार विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने किया सड़क का लोकार्पण। कोलसिया से नेहरो की ढाणी तक सड़क का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित हुआ। भीरखुरा बस स्टैंड पर आयोजित हुए इस कार्यक्रम में सीएम सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने सड़क का लोकार्पण किया। समर्थकों ने विधायक डॉक्टर शर्मा के स्वागत में कोलसिया स्कूल से कार्यक्रम स्थल तक DJ के साथ बाइक रैली व वाहन रैली निकाली। रैली में घोड़ी पर विधायक डॉक्टर शर्मा को बैठाकर ग्रामीणों ने अभिवादन किया। ग्रामीणों ने फूल मालाएं सोल साफा पहनाकर व प्रतीक चिन्ह देकर डॉक्टर शर्मा का स्वागत किया। मंडल अध्यक्ष सुलोचना नेहरा ने स्वागत भाषण दिया। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि कोलसिया से मातवा की ढाणी बिरोल रोड तक सड़क बनेगी। 1 करोड़ की लागत से कोलसिया से जयसिंहपुरा तक 3.5 किमी सड़क बनेगी। नव निर्वाचित पंचायत समिति सदस्य अनीता ने किया जमकर डांस, वीडियो हुआ वायरल। जीत के बाद बख्तारपुरा पहुंची अनीता का जोरदार स्वागत। चिड़ावा पंचायत समिति के वार्ड संख्या 6 के BDC मेंबर के उपचुनाव में जीत हासिल करने वाली अनीता कटेवा ने जमकर डांस किया है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। गांव बख्तारपुरा में DJ पर अनीता कटेवा डांस करते हुए नजर आई। साथ ही गांव के लोग भी अनीता कटेवा के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि चिड़ावा के राजकीय राजकला उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज मतगणना हुई। मतगणना के परिणाम घोषित होने के बाद नव निर्वाचित पंचायत समिति सदस्य गांव बख्तारपुरा पहुंची, जहां उनके स्वागत में ग्रामीण इंतजार में थे। जैसे ही नव निर्वाचित सदस्य गांव पहुंची वैसे ही DJ पर ग्रामीणों ने डांस करना शुरू कर दिया। इसके बाद नव निर्वाचित सदस्य अनीता कटेवा भी पीछे नहीं रही और उन्होंने भी डांस किया। इधर मनोज कटेवा गोल्डन व कपिल कटेवा काशी ने भी इस जीत पर खुशी जाहिर की है।